कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि है कचनार गोश्त, जिसके लिए हमें चीज़ें दरकार हैं। आधा किलो हम गोश्त ले लिया हमने, आधा किलो हमने कचनार ले लिया। कचनार का कुछ लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, ये एक सब्ज़ी, आप किसी भी सब्ज़ी वाले की शॉप पर चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे। ये तकरीबन सिर्फ 2 महीने के लिए आती है, फेब और मार्च में। और ये हमारे एक बहुत प्यारे भाई, उन्होंने फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश पर हम बना रहे हैं। 3 अदद हमने टमाटर और 2 हरी मिर्चें हमने छोटे साइज़ में काट ली हैं। 2 अदद हमने प्याज मीडियम साइज़ में काट ली हैं। 1 टेबलस्पून हम लेंगे अदरक का पेस्ट। स्पाइस में जो हमें चाहिए वो है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हम पिसा हुआ धनिया ले लेंगे, 1/2 टेबलस्पून हमने रेड चिली ले ली है और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। 1 पाव के करीब हमें दही चाहिए। ऑयल हसबे ज़रूरत हम यूज़ करेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा हम ले रहे हैं, उसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है, और पानी हसबे ज़रूरत हमें चाहिए होगा। चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कुकर ले लेंगे और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। इसमें हम गोश्त डाल लेंगे, एक टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक का पेस्ट, साथ ही प्याज ऐड कर देंगे। गरम मसाला जो आपको मैंने बताया वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून नमक। और इसमें पानी ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 गिलास के करीब, जिसमें गोश्त गल जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट हम गोश्त को गला लेंगे। 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 20 मिनट हो गए, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस किस्ती में मूव करके चेक कर लेते हैं गोश्त गला के नहीं। गोश्त हमारा गल गया है, हम इसको ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। गोश्त को हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी। ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर है और गरम मसाला। के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए, अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह गल गए हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कचनार। अच्छा, कुछ लोग कचनार को बॉईल करके डालते हैं, लेकिन बॉईल करने से इसके जो सारा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है।
हम इसको ऐसे ही डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। कचनार भी गलने में इतना टाइम नहीं लेते हैं, ये भी तकरीबन 10 मिनट ही लेते हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। अच्छा, दही हमने ये घर पे भी बनाया है, आने वाली दिनों में हम इसकी भी रेसिपी आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मिक्स कर लिया अच्छी तरह इसको। अच्छा, 10 मिनट हम इसको ढाक के रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे क्योंकि ये कचनार बहुत जल्दी बनती है। 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो गए, अब इसको चेक करते हैं। चुनार गल गई है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा कचनार गोश्त रेडी है, इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताना मत भूलें। इंशाल्लाह हम अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।